हेलो फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी जो है आज आज डेट है 16 और अभी मंडे को मार्केट खुलेगा। तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने मेरी एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी अब जो मंडे आएगा उस दिन एक बहुत ही अच्छा सा फॉल दे सकता है। व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो सो यू कैन सी यर डाइवर्जेंस। और ये डाइवर्जेंस जो होता है ये दिख रहा है, RSI इज फॉलिंग बट द प्राइस इज राइजिंग। दैट्स अ वेरी 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 ऑसम डाइवर्जेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व। और दूसरा, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हो तो यहाँ पर आपको और अच्छी चीज़ दिखेगी। वेट अ सेकेंड प्लीज। और 1 आवर चार्ट अगर आप जाते हो तो ये आपको ऊपर ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। सी, चेक दिस, सी द फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड एंड नाउ इट्स द फोर्थ वन। एंड अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं देगा और फॉल होगा। अभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये ऊपर भी तो जा सकता है, सो नहीं जा सकता। इसका एक वेरी गुड रीज़न मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर RSI लेवल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट मार्क पे जैसे ही RSI यहाँ आ रहा है फॉल दे रहा है, ठीक है? फर्स्ट, व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड टाइम देखिए यहाँ एक, ठीक है, 60 के ऊपर सही से जा ही नहीं और पा रहा फॉल। थर्ड टाइम 60 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा फॉल। फोर्थ टाइम 60 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा, गोइंग टू फॉल। नीचे वैसे भी आ गया है, कल को अगर जहाँ है वही मार्केट खुल रहा हो, हल्का सा गैप डाउन भी खुल रहा हो, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड फॉल। कम से कम 30-31,000 तक का आप टारगेट देख सकते हो। और अगर आपको ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक करो, लाइक नहीं शेयर करो, कुछ भी करो यार। बट मेरा ये जो थिंग है जो भी मेरे को बताना था आपको पहले ही बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंस दिखेगी, देखिए ये वाली। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर एक रिवर्सल दिखेगा। तो बोथ थिंग्स आर इन द फेवर ऑफ बियरिश मार्केट। आप बियर जा सकते हो, गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना। एंड थैंक यू सो मच।